नंबर सिक्स यह है कि हसद ना करें, जेलस ना हो। देखें, पता है इसके बारे में मैं ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि जेलस होने वाला ना इंसान अपना नुकसान खुद ही कर रहा होता है। उसकी बॉडी में अल्लाह ताला की तरफ से ही ना नेचुरली उसकी बॉडी में ऐसे हॉर्मोन्स बनना शुरू हो जाते हैं जो उसकी अपनी बॉडी को डैमेज कर रहे होते हैं। लास्ट है कि जब तक एक खाना हजम ना हो दूसरा खाना हमें नहीं खाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ डॉक्टर सादिया शेख। जो मेरा विंटर मॉर्निंग रूटीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने उसको बहुत पसंद किया। और उसमें एक नई जो चीज़ थी वो सबको बहुत डिफरेंट ये लग रही थी कि टूथब्रश के बारे में जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। और एक और बात मैं बता दूँ यहाँ पे कि टूथब्रश करते हुए हम क्या करते हैं, हम मोस्टली लोग देखें आप इस डायरेक्शन में ब्रश कर रहे होते हैं, तो ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, ठीक है, ऐसे करना है ताकि आपका जो ये दांतों की जो डायरेक्शन होती है ना उस पर ऐसे लाइंस होती हैं, वर्टिकल लाइंस होती हैं, तो हमें इस तरह से ब्रश करना चाहिए। और दूसरा एतराज़ कुछ लोगों को ये था कि इसमें वेट लॉस कहाँ है। तो देखें, जब आप रात में सोएंगे, जल्दी सोएंगे तो आपका वेट लॉस होगा, आप अर्ली उठेंगे तो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, आप सनलाइट ले रहे हैं तो भी आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, वो भी आपको वेट लॉस में हेल्प करेगा। आपको नाश्ते ऐसे बताए थे वो भी सारी वेट लॉस में हेल्प करने के लिए हैं। जब आप अपनी स्किन का ख्याल रखेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, जो मैंने रूटीन बताया था, नाइट रूटीन बताया था, तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा ना इन सब चीज़ों से। जब स्ट्रेस नहीं होता तो भी आपका वेट लॉस होता है, सही है। और इसके अलावा कहवे बताए थे, टी बताई थी, हर्बल टीज बताई थी, जिंजर, सिनेमन, हल्दी, सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें मिलके आपको वेट लॉस में हेल्प ही करती हैं। और जब हम अपना जो निज़ाम अल्लाह ताला ने बनाया है ना, अगर हम उसी को फॉलो करते रहेंगे ना, तो आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस आती हैं। तो आपका सर्केडियन रिदम ख़राब नहीं होता, जो कि हम लोगों ने आजकल ख़राब किया हुआ है। हम काउच पोटैटोज़ बने हुए होते हैं, सारी सारी रात जाग रहे होते हैं, स्नैकिंग कर रहे होते हैं, स्क्रॉल कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे फजूल किस्म की चीज़ें देख रहे होते हैं, उससे इतना स्ट्रेस होता है। और आपको पता है कि आप लोग यानी आपको मीन्स हर चीज़ थोड़ी थोड़ी सी ड्यूरेशन की जो है वो देखते रहते हैं, और उससे स्ट्रेस इस तरह से होता है कि हर चीज़ बहुत ही फैसिनेटिंग सी आपको लग रही होती है, ठीक है। आपको ये लग रहा होता है हर कोई बहुत पतला दुबला स्मार्ट खूबसूरत है, सबके पास बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के कपड़े हैं, और यही चीज़ डिप्रेशन की वजह बन रही है। ये मैं आप लोगों को बता दूँ कि यही चीज़ डिप्रेशन की वजह बन रही है। सोशल मीडिया को इतना ज़्यादा, टिकटॉक सारी सारी रात टिकटॉक देखते रहते हैं। मैं तो कहती हूँ कि अगर आप कोई इस्लामिक चीज़ें भी देख रहे हैं तो रात में देख रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, आप अपनी नींद ख़राब कर रहे हैं और आप अपना सर्केडियन रिदम ख़राब कर रहे हैं अपनी बॉडी का। और इसी बात पर मैं आपको बता दूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना रूटीन, मेरा भी ज़रा थोड़ा सा रूटीन अपसेट हुआ था, उसको मैंने सही किया। तो आपको पता है इतने डिफरेंट डिफरेंट न्यू आइडियाज़ आते हैं आपको। तो मैं ऐसे ही बैठी हुई थी कल फजर की नमाज़ पढ़ के, तो मेरे जहन में ये आया कि अगर हम वही सारी चीज़ें जो अल्लाह ताला ने हमारे प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बेहतरीन उनकी लाइफ हमारे सामने, एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वही सारी बातें जो अपनी लाइफ में किया करते थे, और अल्लाह ताला ने जो जो चीज़ें करने के लिए कही हैं और जिन चीज़ों से मना किया है वही सारी चीज़ें हम कर लेना, तो हमारी लाइफ कितनी ज़बरदस्त हो जाए। तो वही सारी चीज़ें मैं देख रही सोच रही थी, और सोचते सोचते मेरे पास ना नोटबुक होती है रखी हुई, मैं अपने ड्रॉअर में रखती हूँ, ये मेरी नोटबुक है, ये देखें आप कितनी ब्यूटीफुल सी है। तो इसमें मैंने फ़ौरन, मुझे स्टेशनरी भी बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने फ़ौरन वो सारे स्टेप्स ना, ये देखें, ये मैंने लिख लिए, अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तकरीबन ये 14 है, और आप देखें कि इन सारी चीज़ों को ही अगर हम अपनी लाइफ में ऐड कर लें तो हमारी लाइफ बहुत ज़बरदस्त हो जाए, हमारा डिप्रेशन ख़त्म हो जाए, स्ट्रेस ख़त्म हो जाए, हम हैप्पी रहना शुरू हो जाएं, और हमारी सारी नेगेटिविटीज़ अल्लाह ताला पॉजिटिविटीज़ में बदल दे। और मैं आपको एक और बात इसके साथ यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी, बेशक थोड़ा सा वीडियो अगर लंबा होता है तो होता रहे, मैं तो ये कहती हूँ कि आप ना दो जो आपके दिल की जो बातें होती हैं ना, वो दुआ भी आप अल्लाह ताला से आप अपने वर्ड्स में बोलिया करें, सही है ना। जैसे
कुछ दुआएं जैसे मैं करती हूँ तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूँ कि मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे नहीं पता है कि मुझे अपनी लाइफ को कैसे लेके चलना है, मेरी सारी कामों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप ले रहे हैं और आप मुझे पता है कि मेरा हर गुजरा हुआ दिन बहुत अच्छा था और हर आने वाला दिन इससे भी ज़्यादा अच्छा होगा और मुझे आपकी हेल्प चाहिए, ठीक है। और मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला तो मेरी सारी नेगेटिविटीज़ को पॉजिटिविटीज़ में बदल दे और मेरी फैमिली की, मेरे घर वालों की, मेरे बच्चों की, मेरे हस्बैंड की और मुझसे रिलेटेड जितने लोग हैं उन सब की नेगेटिविटीज़ को तो पॉजिटिविटीज़ में बदल दे। हर किसी के लिए दुआ भी मांगनी चाहिए ना, तो अल्लाह ताला इस चीज़ को पसंद करते हैं। और अल्लाह ताला इज़्ज़त से इस दुनिया में रखना, इज़्ज़त से तो अपने पास बुलाना। और मैं क्या दुआएं मांगती हूँ, बस इसी तरह से सारी चीज़ें। और मैं ये भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला के अल्लाह ताला हासिदों के शर से महफूज रखे और ऐसे लोग जो हमारे लिए बेहतर नहीं है उनको हमसे दूर कर दे। ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छे नहीं हैं, समटाइम्स ऐसा होता है, हो सकता है वो हमसे भी ज़्यादा अच्छे हों लेकिन वो हमारे लिए बेहतर नहीं है, तो उनको हमारी लाइफ से निकाल दे और जो अच्छे लोग हैं उनको हमारी लाइफ में ऐड कर दे। ये सारी दुआएं अल्लाह ताला से मांगनी चाहिए क्योंकि हर चीज़ रिस्क में आती है ना, आपका घर, गाड़ी, बंगला, आपके दोस्त, आपका खाना पीना, हर चीज़ रिस्क में आता है। तो हर चीज़ अल्लाह ताला से मांगनी चाहिए और इस चीज़ का पक्का यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला मेरी बात सुनेगा हर छोटी से छोटी चीज़ में। खाना भी आप बना रहे हो तो बोलें कि अल्लाह ताला खाने में बरकत डाल दें, बहुत अच्छा सा मज़ेदार सा खाना बनवा दें। ये मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, सही है ना। तो इस तरह की दुआएं जो भी आपके दिल में आती है, क्योंकि अल्लाह ताला तो सब जानता है, अल्लाह ताला से तो कुछ नहीं छुपा हुआ ना, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें और अपने दिल की दुआएं बना के अल्लाह ताला से दुआ मांगें। चारों कुल पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, कलमा पढ़ लें, अल्लाह ताला के नाम ले लें, बस अल्लाह ताला दुआ कबूल करता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ताला दुआएं कबूल ना करे। और जो चीज़ें हमारे लिए सही नहीं होती उनके लिए वो आखिरत में वो हमारे लिए ज़खीरा बन जाएंगी, मीन्स हमारे लिए नेकियां बन जाएंगी जो कि हमें डे ऑफ जजमेंट पे इंशाल्लाह जब हम जन्नत में जाएंगे तो वो हमें नेकियों की सूरत में मिलेगी और इंशाल्लाह हम सब जाएंगे जन्नत में। अच्छा, तो मैंने क्या चीज़ें, क्या पॉइंट्स लिखे हैं जो डाइट से भी रिलेटेड है, हमारी सब सारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। जो नंबर वन पे है कि जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया कि रोज़े में सेहत है, सही है। तो जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग को कह रहे होते हैं ना कि इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ नॉट अ डाइट, वो डाइट नहीं है, वो एक पैटर्न है, वो एक लाइफस्टाइल है, ठीक है। तो जो लोग कहते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ नॉट अ करेक्ट डाइट, वो डाइट तो फर्स्ट ऑफ ऑल है ही नहीं, तो बिग क्रॉस लगा दें उस इंसान पर, उस इंसान की आपने बात सुननी नहीं है, ठीक है। मैं ये देख रही थी कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग अब जैसे गोरों ने करना शुरू कर दिया, वेस्ट में बहुत ज़्यादा इन हो गई इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट इन हो गई। तो ये अल्लाह ताला ने हमें इतने हज़ारों सालों पहले ही हमें बता दिया था कि रोज़े में सेहत है, ठीक है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का टूल है, उससे आपकी सेहत भी बरकरार होती है, आपको मीन्स आपकी बहुत सारी डिजीज़ से रोज़ा आपको महफूज रखता है और बहुत सारी बुराइयों से भी रोकता है। अच्छा जी, नंबर टू पे ये है कि रात अल्लाह ताला ने सोने के लिए बनाई है और दिन काम के लिए बनाया है, ठीक है। तो हमें अपनी बॉडी के सर्कैडियन रिदम का ख्याल रखना होगा, अगर हम उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारी बॉडी का सर्कैडियन रिदम भी हमारा ख्याल नहीं करेगा और फिर स्ट्रेस होता है, डिजीज़ हो जाती हैं। जो लोग रात में जागते हैं लेटर ऑन उनकी उनको डायबिटीज़ भी हो जाती है, हाइपरटेंशन भी हो जाती है, कॉर्टिसोल रिलीज होता है ना रात में, आपके प्रॉपर सारे हॉर्मोन्स आपके ना गड़बड़ हो जाते हैं। अच्छा जी, नंबर थ्री पे ये था कि मशक्क़त करो, मशक्क़त करने के लिए कहा है तो मेरे जहन में ये आया कि मशक्क़त मीन्स एक्सरसाइज करनी चाहिए और मसरूफ़ रखें अपने दिन भर के कामों में, मसरूफ़ रहो मीन्स जब आप मसरूफ़ रहेंगे ना तो फिर आप जो है वो बीमार भी कम होते हैं और आप स्ट्रेस से दूर रहते हैं और स्ट्रेस देने वालों से भी आप दूर रहते हैं। आपको बताएं, जब आप मसरूफ़ रहते हैं तो आपके आपने देखा होगा अगर आप ड्राइव कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा रश होता है तो आप बहुत ज़्यादा फोकस भी नहीं कर पाते दूसरी फजूल चीज़ों पे, क्योंकि आपको पता है कि आपने रोड पे कंसंट्रेट करना है। तो बस ऐ दिन सिरात अल मुस्तकीम करके सीधे सीधे चलते रहें, स्ट्रेस से भी दूर रहेंगे और स्ट्रेस देने वालों से भी दूर रहेंगे। अच्छा जी, और हर हाल में जिस हाल में भी हो अल्लाह का शुक्र अदा करो, बिल्कुल ग्रैटिट्यूड कि जिस हाल में भी हैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अगर कोई चैलेंज आ गया है, कोई बीमारी आ गई है, कोई प्रॉब्लम आ गई है लाइफ में, तो अल्लाह ताला से हेल्प मांगे और अल्लाह ताला उस नेगेटिविटीज़ में से आपको ज़रूर पॉजिटिविटी निकाल के देगा। नंबर सिक्स यह है कि हसद ना करें,
जेलसी ना, जेलस ना हो। देखें, पता है इसके बारे में मैं ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि जेलस होने वाला ना इंसान अपना नुकसान खुद ही कर रहा होता है। उसकी बॉडी में अल्लाह ताला की तरफ से ही ना नेचुरली उसकी बॉडी में ऐसे हॉर्मोन्स बनना शुरू हो जाते हैं जो उसकी अपनी ही बॉडी को डैमेज कर रहे होते हैं। जिससे वो हसद कर रहा होता है उसको तो शायद कुछ हो भी ना, ठीक है, उसको तो शायद अल्लाह ताला की तरफ से इनाम ही मिले कि वो सब्र कर रहा है। अगर उसे नहीं पता, अगर पता है तो वो सब्र कर रहा है, लेकिन अल्लाह ताला उसे हर तरह से हेल्प करेगा, हासिद से बचाने की भी कोशिश करेगा। लेकिन जो हसद करता है, वो कहते हैं ना कि हसद करने वाला ऐसा है जैसे लकड़ियों में आग लग जाए, समथिंग लाइक दिस है ना, ऐसी टाइप का है। तो वो अपनी ही हसद में खुद ही अपनी बॉडी को बर्न करता रहता है और डिफरेंट किस्म की बीमारियों का शिकार हो जाता है, मेंटल प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाता है। अच्छा जी, नंबर 7 पे ये है कि पेट भर कर कभी ना खाओ, है ना, पेट भर कर कभी नहीं खाना है और एतदाल से खाना है, भूख रख के खाना है। तो इसमें भी देखें हमारे लिए ही बेहतरी है हर लिहाज से। हाँ जी, वॉशरूम के बारे में कि वॉशरूम का जो स्टाइल है ना, जैसे स्क्वैटिंग पोजिशन में नीचे बैठ के जो वॉशरूम यूज़ करना, इससे भी आपको पता है आप कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारियों से महफूज रहते हैं। और उसमें उस पोजीशन में बैठने की वजह से आपके जो जोड़ हैं, आपके जो जॉइंट्स हैं, वो भी लुब्रिकेटेड रहते हैं और ये प्रॉब्लम नहीं होती जितनी ज़्यादा नी प्रॉब्लम्स और जोड़ों की प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गई है लोगों को। और मुस्लिम शावर के बारे में भी मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम शावर भी गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं हम, क्योंकि हमारे सिस्टम में तो वो वाटर कैंस टाइप जो लोटा जिसे कहते हैं उसका इस्तेमाल करना है। उसका भी मैं आपको बताती हूँ साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू के। देखें देखें कितनी बड़ी बात है, जब आप मुस्लिम शावर यूज़ करते हैं ना, आप क्या करते हैं कि मुस्लिम शावर यूज़ करते हैं तो उसकी डायरेक्शन हमारी बॉडी की तरफ होती है, तो फिर आपको डिफरेंट किस्म के इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। वो जो पानी होता है, वो जो ऑरिफिसेस होते हैं हमारी बॉडी के, उसके थ्रू वो फ्लो बैक कर जाता है बॉडी में और वहाँ पर स्टेगनेंट हो जाता है, बचा रहता है पानी बॉडी में जाके, और वहाँ पर इन्फेक्शन ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं लोगों को। तो अगर मुस्लिम शावर भी यूज़ कर रहे हैं तो उसकी डायरेक्शन जो है ना ऊपर से नीचे होनी चाहिए पानी की डायरेक्शन, जैसे हम वाटर कैन से या लोटा इस्तेमाल करते वक्त, क्योंकि पानी की डायरेक्शन ऊपर से नीचे होती है, तो वो सबसे ज़्यादा हमारी सेहत के लिए बेहतरीन चीज़ है। तो मैंने मुस्लिम शावर का इस्तेमाल भी आपको बता दिया कि उसकी डायरेक्शन पानी की, शावर की आपकी तरफ नहीं होनी चाहिए, ऊपर से नीचे की तरफ होनी चाहिए पानी की डायरेक्शन, ठीक है। तो इस तरह से आप उसे इस्तेमाल करें और लोटा इस्तेमाल करने में भी कोई मज़ायका नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, नंबर 9 पे है कंसिस्टेंसी। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि छोटा अमल करो, थोड़ा सा काम करो, लेकिन रेगुलर रहो, कंसिस्टेंसी के साथ करो। देखें ये सारी चीज़ें कैसी हैं ना, हमारा वही सारी चीज़ें जो हम बोल रहे होते हैं। तो इस्लाम में तो वैसे ही हर चीज़ अल्लाह ताला ने पहले ही बता दिया। नंबर 10 पे ये है कि सब्र का फल मीठा होता है। वाकई में सब्र का फल कितना मीठा होता है दूसरे फल क्योंकि हमें थोड़े से रिस्ट्रिक्ट करने पड़ते हैं डाइट में, तो हमें ज़रा थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए, फिर उसका फल भी, उसका फ्रूट जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। नंबर 11 पे क्या है कि अल्लाह ताला, हाँ, अपने माइंड को पीसफुल रखें। तो फिर जब आप अपने माइंड को पीसफुल रखते हैं तो फिर स्ट्रेस हार्मोन कम रिलीज़ होता है बॉडी में, क्योंकि देखें अगर हम बाहर से चीनी नहीं भी ले रहे हैं ना, या चीनी से बनी हुई अशिया नहीं ले रहे, तो हमारी बॉडी में भी जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारे लिवर के थ्रू ग्लूकोनियोजेनेसिस होना शुरू हो जाती है, चीनी बनना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा वज़न कम नहीं हो पाता है और हमें स्ट्रेस के साथ साथ और डिफरेंट किस्म की डिजीज़, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम्स, ये सारे प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा जी, नंबर 2 पे है कि कुल्ली करना चाहिए। जैसे मैंने कहा था कि हर खाना खाने के बाद आपको कुल्ली करनी चाहिए, माउथ रिंस करना चाहिए, जितने आपके फूड पार्टिकल्स होते हैं वो भी आपके मुंह में से निकल जाते हैं, आपका मुंह साफ हो जाता है, और जो बैड ब्रेथ की स्मेल होती है, जो बैड ब्रेथ का जो जिन लोगों को प्रॉब्लम होता है वो भी नहीं होता। तो इन सब चीज़ों का देखें कैसी छोटी छोटी सी चीज़ें, और अगर आप इन सब चीज़ों को ऐड करें। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, नंबर 13 क्या है, अच्छा जी, नंबर 13 ये है कि खाना खाने से पहले हाथ धोना। देखें
ये पूरा एक सिस्टम होता है कि हमें हमेशा अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए, सैनिटाइज कर लेना चाहिए। जब कोविड आया था तो कैसे हम सेट हो गए थे, हम सब सैनिटाइजर लगा देते थे, हैंड्स वॉश करके फिर आराम से खाना खाते थे। तो ये अल्लाह ताला ने हमें पहले ही बता दिया। और नंबर 14 ये है, लास्ट है, कि जब तक एक खाना हजम ना हो दूसरा खाना हमें नहीं खाना चाहिए। तो वैसे ही हम जो है वो बहुत सारी बीमारियों से भी बचते हैं और हम अपना वेट लॉस भी कर सकते हैं। तो ये सारे 14 पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए और डिफरेंट बातें भी कर ली। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करें और जल्दी सोना शुरू करें और जल्दी उठना शुरू करें। जिस तरह से मुझे अच्छे अच्छे न्यू आइडियाज़ आते हैं, आप सबको भी आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दिस इज़ डॉक्टर सादिया शेख साइनिंग ऑफ। बाय। ऐसी मजीद वेट लॉस टिप्स और फूड आइडियाज़ के लिए मेरे इंस्टाग्राम को अभी फॉलो करें।